हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी डिटरमिनेंट्स। प्रूव दैट करने वाले बेटा आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। बेटा आपको ये बता दूं, आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो एक है, लेकिन बेटा एक ही क्वेश्चन को चार तरीके से पूछा जाता है। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन कितने, चार, सॉल्यूशन क्या बनता है, एक। कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम कैसे पता करें आखिर हमें करना क्या होता है। तो यहाँ हमारी मदद कर देता है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड को बेटा ध्यान से देखो, आपको ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए चाहिए ये हमारी प्रूफ करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले ए माइनस बी चाहिए। क्या करें, ए माइनस बी आ जाए तो बेटा ये R1 रो, ये R2 रो और ये R3, ठीक है। हमें बेटा A माइनस बी चाहिए, तो बेटा इस R1 रो में से हम R2 वाली रो को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें A माइनस बी मिल जाएगा। देखिए किस तरह से R1 रो में से इस R2 रो को हम माइनस कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने R1 लिखा है, तो R1 में से R2 माइनस, ठीक है, कर देते हैं। बाकी सब पहले लिख लेते हैं, R1 में ऑपरेशन हो रहा है, बाकी सेम, वन बी बी स्क्वायर ये सेम और ये भी सेम लिखा, ठीक है। क्या करना है बेटा, R1 माइनस R2, वन में से वन माइनस, ए में से बी माइनस, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब आप ध्यान दो, इसे आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख दिया। अब बेटा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये ए माइनस बी, ये बी, ये सी। बेटा यहाँ फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये बी स्क्वायर और ये बेटा सी स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ हमने क्या करा, यहाँ फॉर्मूला लगाया। अब बच्चों आप ध्यान दो, इस रो में से कॉमन क्या निकल सकता है, a माइनस बी कॉमन निकल सकता है, a माइनस बी कॉमन निकाला, क्या बचेगा बेटा, a माइनस बी कॉमन, यहाँ बचा बेटा जीरो, यहां से कॉमन निकला वन और यहां से ये कॉमन निकला ए प्लस बी, ठीक है। और क्या बचा बेटा, वन वन बी सी, वन वन बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसकी बात खत्म, हमने ए माइनस बी बना लिया। अब बेटा किसकी बारी, बी माइनस सी कैसे बनेगा, सोचिए क्या करेगी b माइनस सी बन जाए। तो बेटा आप ध्यान दो, ये r2 रो में से इस r3 रो को यदि माइनस करोगे तो देखिए b माइनस क्या हो जाएगा, c। कर देते हैं, r2 रो में से r3 रो क्या कर रहे हैं, माइनस। बेटा काम r2 में हो रहा है, बाकी हम सबसे पहले सेम लिखे, ठीक है। क्या है बाहर, a माइनस बी, R1 बेटा सेम लिख लिया, ठीक है, R3 भी बेटा मैंने सेम लिख लिया, R2 में से R3 माइनस हो रहा है, ये R2, उसमें से R3 माइनस करो, तो 1 में से 1 माइनस, B में से C माइनस और बेटा इधर B स्क्वायर में से C स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये A माइनस, ठीक है। अगली स्टेप में बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, जीरो, ठीक है। और बेटा इसे क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बच्चों
बी माइनस सी बी प्लस सी लिख सकते हैं फॉर्मूले से। अब बेटा आप आर टू रो में से भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, बी माइनस सी कॉमन निकल रहा है, निकाल देते हैं। बी माइनस सी कॉमन निकालोगे, यहां क्या बचा, जीरो वन ए प्लस बी, जीरो वन ए प्लस बी, जीरो यहां से कॉमन निकल गया, यहां कुछ नहीं बचा मतलब वन, ठीक है, जीरो नहीं वन बचा, बी माइनस सी कॉमन, यहां बचा बेटा बी प्लस सी, और ये वन ये सी और ये सी स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, इस कॉलम में क्या है, दो जीरो है, ये बेटा नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, नॉन जीरो के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट्स को खोल देते हैं, खोल देते हैं इसको, ये ए माइनस बी, बी माइनस सी, आपको मालूम होगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मतलब हम वन के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या लोगे प्लस वन, ठीक है। अब खोलते कैसे हैं, ये गया इसकी सीध के एलिमेंट चले जाते हैं, ये चला गया, क्या बचा बेटा, ये हमारे पास चार बचे, ठीक है। अब बेटा इसे हमें सॉल्व करना है, वन वन ए प्लस बी, बी प्लस सी बचा, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं ये हटा देती हूँ। अब बच्चों ए माइनस बी लिखा, ये बेटा बी माइनस सी, इसे बेटा खोलेंगे किस तरह से, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, वन का बेटा बी प्लस सी में मल्टीप्लाई, बी प्लस सी बीच में माइनस आता है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, वन का बेटा ए प्लस बी में मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इस तरह से ओपन होता है, ये बेटा ए माइनस बी, ये बेटा बी माइनस सी, ये बी प्लस सी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये प्लस का बी है ये माइनस का बी, कैंसल, क्या बचा बेटा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये बचा सी माइनस ए। इस तरह से बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमने क्या निकाल दी बेटा राइट हैंड साइड, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था एक ही क्वेश्चन को बेटा चार तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, एक बेटा ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर टू की बारी, आप ध्यान दो, आपको ये दे रखा है, आपको ये लाना है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, कैसे, आप ध्यान दो, ये बेटा रो है, ये रो है, ये रो है, रो को बेटा कॉलम में इंटरचेंज कर दो, बदल बदल देते हैं, क्या होगा, ये रो है उसको कॉलम में बदला, इस रो को भी बेटा कॉलम में बदला, इस रो को भी मैंने बच्चों कॉलम में बदला, ठीक है। अब ध्यान दो हमें लाना क्या है, हमें बेटा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ इंटरचेंज हमने किया है, क्वेश्चन पुराना ही बन गया, ध्यान दो इसका मतलब क्वेश्चन तो एक ही था, पूछने के तरीके बदल गए, ठीक है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे, बेटा आपको ये दे रखा है, हमें ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप ध्यान दो, इससे ये कैसे बनेगा, आपको बेटा चाहिए a प्लस बी प्लस सी, अब सोचिए ये कैसे आ सकता है, यदि बेटा इसमें इसको जोड़ दे, इसमें सी वन में बेटा इस सी टू को जोड़ दे, तो बेटा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, तो हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, उसमें आप सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू, सी वन में बेटा हम सी टू को जोड़ रहे हैं, जोड़ देते हैं, आप इसमें जोड़ोगे ए को तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें बेटा आप बी को जोड़ोगे ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी,
ये जोड़ा, इस सी को जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी, और बेटा बाकी सेम, क्यों? क्योंकि हमने काम किस पे करा, सिर्फ सी वन पे करा है, बाकी सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, इसे बेटा कॉमन निकालेंगे। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, वन वन वन, ये बेटा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, वो बेटा आ गया। अब बेटा इसका सॉल्यूशन आपको ये चाहिए, चाहिए ये, अब ध्यान दो बेटा, ये पहला क्वेश्चन ही है, ये देखिए सेम है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आगे क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर वन के अकॉर्डिंग बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका ये हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर को हमें प्रूफ करना है, आपको ये दे रखा है बेटा, ये लाना। इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, ये बेटा सी वन और ये सी टू, आप बेटा इसे इंटरचेंज कर दो, ठीक है, सी टू की जगह सी वन की जगह सी टू हो जाएगा, कर देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, बी प्लस सी बेटा इधर चला गया और ए इधर चला गया, बी प्लस सी ए, सी प्लस ए बेटा इधर चला गया और बी इधर चला गया, ए प्लस बी बेटा इधर चला गया और सी बेटा इधर चला गया, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब बेटा इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके सॉल्यूशन में माइनस साइन आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो ये बेटा सॉल्यूशन में माइनस साइन। अब ये क्या है, ये पूरा बेटा ये क्वेश्चन बन, क्वेश्चन नंबर क्या बन गया, थ्री, और थ्री क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर वन। इस तरह से बेटा आप चार क्वेश्चन को बेटा एक ही तरीके से पूछा जाता है, इसका मतलब क्वेश्चन चार लेकिन सॉल्यूशन एक।